A few moments later. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन मीर व्लॉग। आई होप कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो सो करते हैं आपको अपने व्लॉग में फिर से एक बार वेलकम और करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम फिर से पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। ये रहा पोटैटो फार्म। पोटैटो फार्म अभी यहाँ से एक मोड़ ऊपर है और हम आए हैं यहाँ पे जहाँ पे ये टायर शायर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे अपने व्लॉग शूट किए हैं। और वो रही अपनी गाड़ी जो कि XUV 500 है, और अपने एजाज भाई की गाड़ी है, वो पीछे बैठे हैं। इनके साथ आए थे अभी यहाँ पे। मैंने इसको बोला कि यहाँ पे जाएंगे, इसको अपनी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेते हैं, XUV को। तो आज फर्स्ट टाइम XUV ड्राइव कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा चला के और काफ़ी अच्छी। तो फर्स्ट टाइम XUV ड्राइव की और काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब भागने में तो एक नंबर है, एक नंबर। अभी आपको दिखाएंगे गाड़ी का अंदर से, इस गाड़ी का लुक। और चलते हैं, फिलहाल करते हैं एजाज भाई से बातें, और अपना जहांगीर भाई भी वो पीछे बैठे हैं, इनसे करते हैं बातें। इस जगह पे रुके हैं, ये रहे अपने जहांगीर भाई और एजाज भाई, और ये एजाज भाई की गाड़ी जो कि 4 नंबर की है। और देख सकते हैं कुछ इस तरह की जगह में हम आ चुके हैं। अभी तो यहाँ पे क्लाउड्स छाए हुए हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, आज बारिशों का टाइम है। और ये रही अपनी लोकेशन कुछ इस तरह की, और ये रही गाड़ी जो कि 4 नंबर की है, और ये रेलवे के साथ अटैच है गाड़ी। तो कभी कभार एजाज भाई घर ले आते हैं, तो आज हमने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया इस गाड़ी को, तो आपको दिखा सकते हैं अंदर का व्यू। तो देख सकते हैं गाड़ी 4 नंबर की, ये रही XUV गाड़ी। देख सकते हैं कितने एडवांस फीचर हैं इसमें, बहुत ही तगड़ा तगड़े तगड़े फीचर हैं इसमें। चलाने को तो बहुत ही एक नंबर है, जैसे शेर की तरफ। एक्सेलेटर पे तो पैर रखने ही नहीं देती है, एक नंबर है। और चलते हैं, अभी आए थे हम यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है दिन के 12, तो अभी चल रहे हैं यहाँ से वापस। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो गाइस, अभी आया है यहाँ से निकलने का टाइम, तो अभी अपना जहांगीर भाई करेंगे राइड, तो चलते हैं यहाँ से वापस। अभी कर रहे हैं अपने जहांगीर भाई यहाँ से ड्राइव। जहांगीर भाई, हाँ जी भाई, अभी नहीं पूछेंगे, पहले ड्राइव करो फिर पूछेंगे गाड़ी के बारे में। सर देख सकते हैं जहांगीर भाई को अभी बैग गियर नहीं लग रहे। ओ लग गया, लग गया। ऐसे ही ना, क्या बस उसे एक सीट खाली बैग कस लगा। जहांगीर भाई को टपला हो गया, जहांगीर भाई ऐसे ही बैग गियर लगा रहे थे, इसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। जान दो सर, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। तो गाइस देख सकते हैं, हो चुकी है गाड़ी जहांगीर भाई को एक बार फिर से बंद। और नहीं नहीं स्टार्ट ही है। 3 नंबर नहीं सर, 2 नंबर लगाओ, 2 नंबर। हाँ गुड, मगर बंद हो चुकी है गाड़ी। गुड, इस तरह। ट्रक ड्राइवर है बाबा यार। सर हम ट्रक ड्राइवर हैं, हमें छोटी गाड़ी कहाँ चलाने आती है। एक्सेलेटर जरा बिजी है। तो ये रहे अपने एजाज बाबू, अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से बाहर का व्यू। आज तो हमने व्लॉग शूट नहीं करना था, बट एजाज भाई के साथ आ गए हम थोड़ा सा घूमी घूमी करने के लिए, तो हमने सोचा अपना व्लॉग छोटा सा शूट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। बंद गई है जनाब, लाग था है जत तरह बस। और नीचे वाली साइड भी एक आर्मी का पैक और है अभी। जहांगीर भाई को डर लगता है 4 नंबर की जगह 2 नंबर की जगह 4 नंबर लगा देता है। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने आर्मी गेट के पास, अभी यहां से करवाते हैं एंट्री। तो गाइस हो चुके हैं हम अपने आर्मी कैंप के अंदर एंटर, और देख सकते हैं नीचे आर्मी कैंप। यहां पे तो अलाउ नहीं होता है मतलब वीडियो शूट करना, तो हम तो ऐसे अचानक ही कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, तो यहाँ से निकल के बाहर फिर करेंगे यहाँ से शूट। तो गाइस हो चुके हैं अपने आर्मी कैंप से एग्जिट और चल रहे हैं वापस अपने गूल की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आज का कुछ इस तरह का माहौल बन चुका है यहाँ पे। आज का मौसम काफ़ी ख़राब है क्योंकि क्लाउड्स देख सकते हैं, क्लाउड्स छाए हुए हैं। कंटिन्यू आगे से आ चुकी है मर्सिडीज गाड़ी। मर्सिडीज ही थी तो गाइस यहाँ से होती है हमारे गोल की मार्केट स्टार्ट। और देख सकते हैं अपनी मार्केट का कुछ इस तरह का हाल है। यहाँ पे मार्केट ज़्यादा, गाड़ियों की पार्किंग ज़्यादा होती है जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। आगे लोग लग चुका है हल्का सा जाम और ये रही अपनी गुल की मार्केट जो कि आप देख सकते हैं। आज तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा होती है यहाँ पे लगी हुई, उस वजह से हल्का हल्का जाम लगता है हमारे अपने गुल में। देख सकते हैं हमारे गूल की चहल पहल। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड क्योंकि व्लॉग काफी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय।